आप क्या कर दोगे, शुरू कर दो। ठीक है, तो अपने शुरू करते हैं जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। रजिस्टर कर लिए जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। जनरेशन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती है, परदादा फिर दादा पिताजी बाप फिर बेटा फिर पोता, मतलब ये जनरेशन चल रही है ना लगातार स्टेप बाय स्टेप, इसे तो हम क्या कहते हैं वंशानुगति के नाम से जानते हैं। जबकि जेनेटिक्स में जरूरी नहीं है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी श्रृंखला चले, माता पिता से संतति में आने के बाद वो क्रिया रुक सकती है, उसे हम क्या कहेंगे जेनेटिक्स या आनुवंशिकी के नाम से जानते हैं। मूल क्रिया ये हो गई कि माता पिता से संतति में जो लक्षण संचरित होते हैं उन लक्षणों को अपने क्या कहेंगे आनुवंशिक लक्षण कहेंगे। ठीक है, जबकि पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का संचरण क्या कहलाता है वंशानुगति कहलाता है, उन लक्षणों को क्या कहते हैं वंशानुगत लक्षण के नाम से जानते हैं। दोनों में डिफरेंस क्लियर है? ठीक है, वंशानुगति तो मतलब स्टेप बाय स्टेप में कंटिन्यूटी बनी रहती है जबकि जेनेटिक्स में क्रिया नहीं होती। चलिए फर्स्ट यूनिट में अपने कौन कौन से टॉपिक जेनेटिक्स की यूनिट फर्स्ट देखिए, इसमें पहला अपना मेंडेलियन जेनेटिक्स। देखिए इसमें कुछ वर्ड आते हैं जेनेटिक्स में, एक तो होता है आनुवांशिक लक्षण, एक होता है आनुवांशिकता और एक होता है आनुवांशिकी। सुन रखिए क्या, एक हो गए आनुवांशिक लक्षण और इसी प्रकार से इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है। एक हो गया आनुवांशिकता, आनुवांशिकता और एक हो गया आनुवांशिकी। परिभाषा से इसी प्रकार से पूछते हैं आनुवांशिक लक्षण वो लक्षण जो माता पिता से संतति में संचरण करते हैं क्या कहलाते हैं आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, इन आनुवांशिक लक्षणों के अध्ययन की क्रिया को क्या कहते हैं आनुवांशिकता कहते हैं। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक लक्षण और वेरिएशन विविधताओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, आनुवांशिकी के नाम से जानते हैं। आनुवांशिक शब्द प्रतिपादन किसने किया था वेटसन ने किया था, आनुवांशिकी शब्द का प्रतिपादन वेटसन ने किया। तो पहला जो अपना टॉपिक है इसका मेंडेलियन आनुवांशिकी। अब देखिए एकमात्र वैज्ञानिक जिसकी जीवनी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जन्म कब हुआ कहाँ हुआ फिर किन पादपों पर कार्य किया कितने वर्षों तक कार्य किया, असंख्य क्वेश्चन ऐसे है जो अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कितने वर्षों तक मेंडल ने अपना अध्ययन कार्य किया, 8 वर्षों तक पायसम सेटा एवं मटर के पादप पर। अब वहाँ ऑप्शन देता है वो उद्यान मटर हो गया मीठी मटर हो गया, दो एक ऑप्शन और दे देता है, तो अपने को ध्यान रखना है कि मैंने कहीं पढ़ा था उसमें जो क्लासेस बोला कि मटर से पहले आरएफएस के नाम का बिल्कुल किया था आनुवांशिकता के नियम।
कौन कौन सी है? कौन कौन सी है? प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभियोजन का। ठीक है, तीनों नियम अपने को पढ़ने। अगला जो अपना टॉपिक होएगा वो इसमें है मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलते हैं इसे? एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। देखिए यदि एक ही लक्षण को ध्यान में रखते हुए अपने क्रॉस करवाए, संकरण किसे कहते हैं? तो जातियों में क्रॉस करवाने की क्रिया को क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। तो एक ही लक्षण को ध्यान में रखते हुए अपने क्रॉस करवा रहे हैं तो इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं, जबकि दो लक्षणों को ध्यान में रखकर करवाया जाने वाला क्रॉस डाईहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। रेडियो पूछा जाता है इनका, इनका रेशियो क्या रहता है? तो रेशियो दो प्रकार से निकालते हैं अपने, फिनोटाइप और जीनोटाइप है। तो जो लक्षण पर रूप अनुपात है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए, वो लक्षण पर रूप अनुपात अपना क्या आएगा? 3:1, और जीन पर रूप अनुपात 1:2:1 आएगा। और उसमें अगर बात करें तो 9:3:3:1 क्या आ जाएगा? अपना फिनोटाइप रेटियो आ जाएगा। किसमें? डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर। और वो 122, 412, 121 वो क्या आ जाएगा? जीनोटाइप है, रेटियो आ जाएगा। तो वो किस प्रकार से रेटियो बनते हैं वो अपने को पढ़ना है। साथ ही साथ डाईहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा मेंडल ने कौन सा नियम प्रतिपादन किया? स्वतंत्र अभ्युन का नियम है, वो डाईहाइब्रिड क्रॉस से निकला है। तो वो किस प्रकार से डाईहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा निकला है वो अपने को पढ़ना है। फिर इसमें अपने को पढ़ना है डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, प्रभाविता, एफरण प्रभाविता, तीसरा है सह प्रभाविता। देखिए बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए। आज से बीएससी करने के बाद भी आप एमएससी में जाओगे तो हर जगह ये टॉपिक सारे के सारे आपके काम में आएंगे। देखिए जो लक्षण अपन पीटी में दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण कहते हैं। अगर वो लक्षण, शब्दों पर ध्यान दीजिए, यदि देखिए दो लक्षण हो गए, एक प्रभावी और एक अप्रभावी। जो प्रकट होता है वो तो क्या हो जाएगा? प्रभावी। और जो प्रकट नहीं होता वो अप्रभावी। परंतु यदि दोनों लक्षण साथ साथ प्रकट हो रहे हैं तो सहप्रभाविता कोडोमिनेंस हो जाएगा, और यदि दोनों ही लक्षण प्रकट न होकर कोई तीसरा लक्षण प्रकट हो रहा है तो फिर एपूर्ण प्रभाविता। और यहाँ बच्चे हैं ना, डेफिनेशन बिल्कुल उल्टी करके आते हैं, इधर वाली इधर, ये सस्पेंस रहता है कि तीसरा लक्षण सह में आएगा या अपूर्ण में आएगा। तीसरा लक्षण किस में आएगा? अपूर्ण में आएगा। अब एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, मिराबिलिस जलापा जिसे 4 o'clock के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? चार बजे उत्पन्न होता है, इस कारण इसे 4 o'clock के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्नेप ड्रैगन, मिराबिलिस जलापा, यह 4 o'clock के अंदर क्या होता है? लाल रंग के पुष्पों का संकरण यदि व्हाइट पुष्पों के साथ करवाया जाए तो यहाँ पिंक कलर प्रकट होता है, गुलाबी रंग प्रकट होता है। तो यहाँ गुलाबी रंग का प्रकट होना, तीसरा लक्षण प्रकट होना क्या कहलाता है? मवेशियों के अंदर एक चितकबरी या काली त्वचा वाली मवेशी का संकरण श्वेत त्वचा वाली मवेशी के साथ करवाया जाए तो त्वचा श्वेत होगी और उस पर धब्बे काले होंगे। मतलब दोनों लक्षण प्रकट हो रहे हैं ना, इसे हम क्या कहते हैं? डोमिनेंस के नाम से जानते हैं, सहप्रभाविता के नाम से जानते हैं। यह करंट स्टेट्स ऑफ मेंडलिज्म, मतलब मेंडलिज्म की आधुनिक धारणा या आधुनिक विचार क्या है? मेंडलिज्म के बारे में आधुनिक राय क्या है, ये आपका अगला टॉपिक है इसका। और फिर है अपने जेनेटिक वेरिएशन, आनुवंशिक विभिन्नता। विभिन्नता किसे कहते हैं? जीवों में पाए जाने वाले जो असमानता उसको कहते हैं। कारण क्या रहता है विभिन्नता? देखिए अपने को पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान एक सेल डिवीजन होता है जिसे मियोसिस के नाम से जानते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। इस अर्धसूत्री विभाजन की सबसे महत्वपूर्ण प्रावस्था होती है प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, अब प्रोफेज फर्स्ट में 5 उपप्रावस्थाएं लेप्टोटिन, जाइगोटिन, मेगाटिन, डिक्रोटिन और डाइक्राइलिसिस। अब इनमें से लेप्टोटिन को अगर छोड़ दे तो जाइगोटिन, पेगाइटिन और डिक्रोटिन, इन तीन प्रावस्थाओं के दौरान क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय होता है और काइजमा का निर्माण होता है। अब दो गुणसूत्रों के मध्य जीनीय खंडों
के कारण वो जीन गुणसूत्र पर अपना स्थान बदल लेते हैं। अब वो स्थान बदल लेते हैं, इसका मतलब उनके लक्षणों में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। तो माता पिता की पूर्णतः संतति समान नहीं होती। इस घटना को ये अपने क्या कहते हैं, विभिन्नता के नाम से, वेरिएशन के नाम से जानते हैं। तो जेनेटिक वेरिएशन अपने को पढ़ना है, और साथ ही साथ अपने को पढ़ना है गुणसूत्रों में ये विभिन्नता किस प्रकार से आती है, ठीक है, वेरिएशन इन क्रोमोसोम। सामान्यता बोल सकते हैं अपने या विभिन्नता बोल सकते हैं, एग्जांपल बता सकते हो, डाउन सिंड्रोम में 21वीं जोड़ी गुणसूत्र है ना, वो ट्राइसोमी हो जाता है, तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46, एक और हो गया तो गुणसूत्रों की संख्या 47। डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम हो गया, या फिर अपने अपराधी 18वीं जोड़ी कम होता है, कुलन देवी एक दो ही हुई है, अपने चंदन तस्कर वीरपन हजारों है ना, बहुत एग्जाम्पल दे, कोई गिनी चुनी है महिला है, लगभग गुंडी गुंडे असंख्य, ठीक है। तो यदि वाई क्रोमोसोम की नंबर बढ़ जाए तो इसे हम कहते हैं अपराधी सिंड्रोम। चिंता मत कर, दूसरा एग्जाम्पल एक होती है सुपर फीमेल, इसी में एक बढ़ेगा सुपर फीमेल, ये महिलाएं क्या होती है, उसके बाल उसके हाथ में और उसके बाल उसके हाथ में, वो पहले वो नल पे पानी लाने के लिए महिलाएं जाती थी ना, तो वो मटके की लाइन लगाने के लिए आधे मटके फूटते थे और आधे घर पे वापिस आते थे, वो कंडीशन था सुपर फीमेल। ऐसी महिलाएं क्या होती है, झगड़ालू किस्म की होती है, बिना बात के लड़ाई झगड़ा, और इसमें क्रोमोसोम नंबर एक्स की संख्या बढ़ जाती है। ये संख्या जितनी बढ़ेगी महिलाएं उतनी कुशल प्रवृत्ति की होती है, और ये वाई संख्या जितनी बढ़ेगी मनुष्य उतना ही ज्यादा अपराधी प्रवृत्ति का होता है। तो ये सारे के सारे जो सिंड्रोम है ना, ये हो जाएंगे गुणसूत्रों की संख्या में होने वाले परिवर्तन। ध्यान देना, गुणसूत्रों की संख्या में होने वाले परिवर्तन, इसका दूसरा पार्ट है गुणसूत्रों की संरचना में होने वाला परिवर्तन। बताइए उसका एग्जाम्पल, ये तो संख्यात्मक परिवर्तन, ये सिंड्रोम ट्राइडू चैट सिंड्रोम, राइडू कैट सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। बच्चा क्या बच्चा है, बिल्ली के निम्याने जैसी आवाज निकालने लग जाता है, और ये होता है गुणसूत्र संख्या 5 की छोटी भुजा में विलोपन के कारण। नीट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्राइडू चैट सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी कारण है, और ऑप्शन में उन्होंने दिया था पांचवी जोड़ी गुणसूत्र की छोटी भुजा, और एक ऑप्शन था पांचवी जोड़ी गुणसूत्रों की बड़ी भुजा। तो अपने को माइनर विश्लेषण करना है, माइनर ध्यान रखना है, पांचवी जोड़ी याद है, छोटी बची बड़ी भुजा याद नहीं है तो भी अपना आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। तो अपने को माइनर बातों की जानकारी, तो यहाँ दो स्थितियां नंबरों में परिवर्तन के लिए अपने होती है, एक होती है यूप्लोइडी और एक होती है एन्यूप्लोइडी। यूप्लोइडी दूसरी स्थिति है एन्यूप्लोइडी, और दोनों ही अपने लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, ध्यान रखना है दोनों ही शब्द अपने लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। इसे यूप्लोइडी को तो अपने बोलते हैं सुगुणिता, और एन्यूप्लोइडी को बोलते हैं अपने असुगुणिता। नाम सुन रखे है क्या, अगर गुणसूत्रों की संख्या में गुणात्मक परिवर्तन हो, 2x 3x 4x 5x 6x, मतलब एकल संख्या में परिवर्तन हो, +1 2 3 न हो, जोड़े में परिवर्तन हो, तो इस प्रकार की स्थिति को क्या बोलेंगे, सुगुणिता यूप्लोइडी के नाम से जानते हैं। जबकि 1 2 3 4 इस प्रकार से कमी वृद्धि हो तो इसे हम क्या बोल देंगे, असुगुणिता के नाम से जानते हैं। इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार की होती है, ये अपने को पढ़ना है। तो ये है यूबी फर्स्ट के अपने टॉपिक, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम पढ़ने हैं, मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ना है, फिर डोमिनेंस के बारे में पढ़ना है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के
बारे में और कोडोमिनेंस के बारे में पढ़ना है, और अंतिम टॉपिक है अपना क्रोमोसोम नंबर में असामान्यता और ये दो प्रकार की यूक्लिडी और चिन्यूक्लिडी। तो ये आपकी फर्स्ट यूनिट के टॉपिक का सिलेबस है, ठीक है। यूनिट सेकंड में देखिए, यूनिट आपकी जो सेकंड है उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर इन ह्यूमन, जेनेटिक डिसऑर्डर इन ह्यूमन, मनुष्य के अंदर जो आनुवांशिक असामान्यता है वो अपने को इसके दौरान पढ़नी है, ठीक है। और इसके अंतर्गत अपने को पढ़ना है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइन पेटर सिंड्रोम, डाउन्स, टर्नर, क्लाइन पेटर और एडवर्ड्स, ये चार अपने को सिंड्रोम पढ़ने। देखिए रोगों के समूह को अपने क्या नाम देते हैं, सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये चार अपने को सिंड्रोम पढ़ने, फिर अपने को पढ़ना है गुणसूत्रों में परिवर्तन, गुणसूत्रों में उत्परिवर्तन, गुणसूत्रों में उत्परिवर्तन किस प्रकार से होता है और ये उत्परिवर्तन के लिए कौन से उत्परिवर्तजन या म्यूटाजन उत्तरदायी होते हैं, ये अपने को पढ़ना है। फिर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जीन म्यूटेशन, जीन उत्परिवर्तन का आणविक आधार, जीन उत्परिवर्तन का आणविक आधार। अब देखिए जीन किससे मिलकर बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं, जीन किससे मिलकर बने होते हैं, आणविक आधार किसे कहते हैं, ये बता दें, मॉलिक्यूलर बेसिस किसे कहते हैं, जीवन की आधारभूत इकाई जिसके द्वारा अपने आनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण होता है, डीएनए आरएनए, और डीएनए आरएनए आपस में स्टोर्ड प्रोटीन के साथ मिलकर किसका निर्माण कर लेंगे, गुणसूत्रों का निर्माण कर लेंगे। तो प्रोटीन, डीएनए, आरएनए ये सारे मिलकर किसका निर्माण करते हैं, क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं, और क्रोमोसोम पर क्या उपस्थित रहते हैं, जीन पाए जाते हैं। अपने शरीर में जीनों की संख्या कितनी है, मनुष्य के शरीर में जीनों की संख्या, क्रोमोसोम नंबर कितने हैं अपने, 46। एगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 23, 23 होगी। और इन एगुणित गुणसूत्रों को समुचे को ये अपने क्या नाम देते हैं, जीनोम के नाम से जानते हैं, ठीक है। और अपने शरीर के अंदर जीनों की संख्या होती है 20,000 से 30,000, ठीक है, जीनों की संख्या 20,000 से 30,000। और डीएनए मुनेरा को क्या कहते हैं, हाँ, तो अपने 20,000 से 30,000 की संख्या में जीन पाए जाते हैं। आप देखिए जीन का निर्माण कैसे होता है, किससे होता है, तो एक शब्द आता है न्यूक्लियोटाइड क्षारक, ठीक है, तीन तीन न्यूक्लियोटाइड क्षारक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कोडोन बनाते हैं, और ये कोडोन, प्रत्येक कोडोन एक एमिनो एसिड बनाएगा, ठीक है, और कई सारे एमिनो एसिड आपस में मिलकर क्या बना देंगे, प्रोटीन का निर्माण कर लेंगे। तो मॉलिक्यूलर बेसिस की बात करें तो अपने शरीर की सबसे अधिक विविधता वाला अणु कौन सा हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, डीएनए आरएनए गुणसूत्र जीन जो भी संरचना है सबके अंदर प्रोटीन उपस्थित है, ठीक है। तो यहाँ जीन उत्परिवर्तन का आणविक आधार से तात्पर्य क्या हो गया, प्रोटीन में किस प्रकार से परिवर्तन होता है जिसके कारण जीन के अंदर म्यूटेशन होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड क्षारकों में या तो कोई बीच में कोई और क्षारक आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, या फिर कोई क्षारक वहां से हट जाएगा, या कोई क्षारक अपना स्थान बदल लेगा, इसके आधार पर अपने जीन म्यूटेशन के प्रकार होंगे, वो प्रकार अपने को इसके अंतर्गत पढ़ने, ठीक है। फिर अपने को पढ़ना है म्यूटाजन, म्यूटाजन उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, वे घटक वे कारक जिनके द्वारा उत्परिवर्तन पैदा होते हैं क्या कहलाते हैं, उत्परिवर्तन कहलाते हैं। एग्जाम्पल बता सकते हैं किसके कारण उत्परिवर्तन पैदा होते हैं, उदाहरण दीजिए। देखिए
रेडियो एक्टिव विकिरण, ठीक है, मस्टर्ड गैस, ठीक है, एथिल एल्कोहल, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रे, ये सारे के सारे घटक किस में आते हैं, उत्परिवर्त जन में आते हैं, जिसके द्वारा उत्परिवर्तन पैदा हो सकता है। कश्मीर के अंदर कांगड़ी पाई जाती है, और अपने सर्दी से बचने के लिए गले के अंदर लटका के रखते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर रहता है, उससे बचाव करने के लिए वो उसमें आग जला के रखते हैं, मतलब कोयले वगैरह डाल के रखते हैं उस कांगड़ी के अंदर, वो गले के साथ लटकी हुई होती है, उसके द्वारा एक पदार्थ बनता है, कार्बनिक पदार्थ बनता है, उसे हम कार्सिनोजन के नाम से जानते हैं। तो ये कार्सिनोजन भी किसके लिए उत्तरदायी है, उत्परिवर्तन पैदा करने के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, उत्परिवर्तन हो जाएंगे, और अंतिम टॉपिक अपने इसके रहेंगे क्रॉसिंग ओवर और जीन लिंकिंग। क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं, कहते किसे, दो जीन आपस में अपने कोडोन इंटरव्यू समझात पुरुषोत्तर के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच होने वाला जीनों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, जीन लिंकेज कहलाता है, ठीक है। और एक शब्द आएगा अपना लिंकेज, लिंक का अर्थ होता है जुड़े रहना, एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पर ये कोई जीन उपस्थित है, और ये जीन क्रॉसिंग ओवर के दौरान एक दूसरे से परिवर्तन करते हैं, लेकिन यदि ये बिना परिवर्तन किए जो कि थे अगली जनरेशन में स्थानांतरित होकर अपने लक्षण दर्शाए, तो इस घटना को क्या कहते हैं, लिंकेज के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना इन दोनों के जो क्रियाएं होती है वो बिल्कुल विपरीत होती है एक दूसरे की, जिनों के बीच दूरी जितनी कम होगी उतना ही लिंकेज अधिक होगा, लेकिन क्रॉसिंग ओवर उतना ही कम होगा, ठीक है। तो ये अपनी सेकेंड यूनिट का सिलेबस है। थर्ड यूनिट में देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण, यूनिट थर्ड में है आपकी लिंग निर्धारण। अब देखिए लिंग निर्धारण के लिए कौन कौन सी विधियां काम में लेते हैं, पहली होगी एक्स 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 वाई विधि, फिर एक्स 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 जीरो विधि, फिर जेड 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 डब्ल्यू मेथड, ये प्रमुख विधियाँ लिंग निर्धारण के दौरान काम में ली जाती है। तो ये अपने विधियाँ पढ़नी है, एक्स 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 वाई ड्रोसोफिला के अंदर और मनुष्य के अंदर पाई जाती है, जहाँ नर क्या होता है, हेटेरोजाइगस होता है, ठीक है, और मादा होमोजाइगस होती है, लिंग का निर्धारण नर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये पिंडों के अंदर स्थिति होती है, नर के अंदर एक्स जीरो स्थिति होती है और मादा के अंदर एक्स एक्स स्थिति होती है, अर्थात दो प्रकार के यहाँ गैमेट का निर्माण होता है। पक्षियों के अंदर ये क्रिया क्या होती है, पक्षियों के अंदर मादा हेटेरोजाइगस होती है, मादा में दो प्रकार के अंडाणु बनते हैं, कुछ अंडाणु जिनके अंदर एक्स क्रोमोसोम सॉरी डब्ल्यू क्रोमोसोम होता है और कुछ जेड क्रोमोसोम युक्त होते हैं, जबकि नर के अंदर एक ही प्रकार के स्पर्म का निर्माण होता है। फिर अपने को पढ़ना है सेक्स लिंकेड इन फेरिटेल्स, मतलब लिंग गुणसूत्रों पर आधारित आनुवंशिकता एक्स और वाई लिंग स्थिति, देखिए हमने पढ़ा था सिंड्रोम, और सिंड्रोम में अगर अपने पढ़ रहे हैं 18वीं जोड़ी 13वीं जोड़ी तो ये होते हैं अपने कायिक गुणसूत्रों में होने वाले परिवर्तन, ठीक है, वो अपने को नहीं पढ़ना, अपने को पता है कि 23वां जो पेयर होता है 22 जोड़ी क्या होती है, दैहिक या कायिक क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, जबकि 23वीं जोड़ी होता है उसको हम एलोसोम के नाम से जानते हैं, 22 जोड़ी होते हैं ऑटोसोम। अब 23वीं जोड़ी जो एलोसोम क्रोमोसोम पेयर है ना, उस पर अगर कोई आनुवंशिक लक्षणों में परिवर्तन होता है तो उसे बोलते हैं सेक्स लिंकेड इनहेरिटेंस, क्योंकि वो लिंग गुणसूत्रों पर आधारित है, वंशानुगति होती है, आनुवंशिकता होती है। तो अपने इसके द्वारा जो भी रोग है जैसे मोफिलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, तो माता पिता से जो संतति को गिफ्ट में रोग मिलती है वो अपने को यहाँ पे पढ़ने हैं। तो कौन कौन से रोग पढ़ने हैं, कलर ब्लाइंडनेस, क्या बोलते हैं इसे, वर्णांधता, 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 फिर फिर अपने
अपने को पढ़ना है कि जीनों की पारस्परिक क्रिया किस प्रकार से होती है, जीन इंटरेक्शन। सिकल सेल एनीमिया में जीन में परिवर्तन को नहीं हो गए, एक बिंदु इसमें क्या होता है, जी यूजी के स्थान पर जी यूजी के स्थान पर जी एजी आ जाता है, ग्लूटेमिक अम्ल के स्थान पर वेलिन का आ जाता है, ठीक है, जिसके कारण आरबीसी का आकार अंशियाकार हो जाता है। और सिकल सेल से ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसको मलेरिया रोग नहीं होती, क्यों कारण बताइए। पेशानी पर प्लाज्मोडी आरबीसी की से संपूरक जीन पूरक जीन ये भी अपने को पढ़ने कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री जीन। उसमें क्या होता है कि प्लाज्मोडियम को जीवित रहने के लिए आरबीसी का भक्षण करना होता है, और उसमें आरबीसी के पास खुद के पास ही पोषक पदार्थ नहीं है, वो खुद ही सिकुड़ी हुई है, तो वो प्लाज्मोडियम को कहाँ से पोषक पदार्थ देगी। ऐसे में अफ्रीकन लोग जो होते हैं वो सिकल सेल एनीमिया से ज़्यादा ग्रसित होते हैं, उनमें मलेरिया नहीं पाया जाता, ठीक है। सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री जीन अपने को पढ़ना है, फिर अपने को एबीओ ब्लड ग्रुप पढ़ना है, इसी के अंतर्गत जो अपने ए बी ए बी और ओ ब्लड ग्रुप है वो अपने को पढ़ना है। साथ ही साथ अपने को एम तथा एन फैक्टर के बारे में पढ़ना है, और अपने को पढ़ना है आर एच कारक के बारे में, ठीक है। फिर अपने को पढ़ना है पॉलीमॉर्फिक जीन, बहुप्रभावी जीन, पॉलीमॉर्फिक। तो ये है अपने यूनिट थर्ड के टॉपिक, ठीक है। लिंग निर्धारण प्रमुख विधियां एक्स 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 वाई एक्स 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 जीरो जेड 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 डब्ल्यू, फिर एक्स वाई लिंकेड इनहेरिटेंस जिसके अंतर्गत अपने वर्णांता हीमोफिलिया सिकल सेल एनीमिया का अध्ययन करना है, फिर अपने को पढ़ना है जीन पारस्परिक क्रिया, जीन पारस्परिक क्रिया, ठीक है, जीन पारस्परिक क्रिया, संपूरक जीन और पूरक जीन, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री जीन का अध्ययन करना, और ब्लड ग्रुप के बारे में अध्ययन करना, ठीक है। ये यूनिट अपनी थर्ड, सारा कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ अपने जो पढ़ेंगे वो नया ही पढ़ेंगे सारा कुछ। एमएन नहीं पढ़ा हुआ आपका, एमएन कारक नहीं पढ़ा हुआ ना, देखिए लेवल बढ़ जाता है आपका। अब मेंडल वहाँ पे आप 8th क्लास में पढ़ते हो, वहाँ तो सीधा सीधा ही मेंडल पढ़ते हो, 10th में फिर थोड़ा सा वाइड होता है, 12th में थोड़ा और वाइड जाता है, और यहाँ अब आप फाइनल ईयर के अंदर तो अपने मेंडल को उतना ही तो पढ़ेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो अपने को एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। फोर्थ यूनिट में देखिए मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, आणविक। देखिए शरीर के आणविक अणु होते हैं डीएनए आरएनए, ठीक है, तो यहाँ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पूरी की पूरी किस पर आधारित है, डीएनए और आरएनए। अपने को क्या पढ़ने हैं, डीएनए के प्रकार पढ़ने हैं, डीएनए की संरचना पढ़नी है, डीएनए का महत्व पढ़ना है, आरएनए के प्रकार पढ़ने हैं, आरएनए की संरचना पढ़नी है, आरएनए का महत्व पढ़ना है, ठीक है। और फिर अपने पढ़ना है जेनेटिक कोड, कितने होते हैं काम के, कितने अपनकारी कौन कौन से, हाँ घूम रहे हो, कौन सा पूछ रहे हो, समापनकारी पूछ रहा हूँ, यू ए यू ए जी यू जी ए, श्रृंखला का प्रारंभ करने वाला ए यू जी, आओ जी ये बुलाते हैं ना, आओ आओ जी। फिर अपने को पढ़ना है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, अनुलेखन और बड़े रुचिकर टॉपिक है, अगर इनमें रुचि बन जाए तब तो सारा कुछ समझ में आ जाए, और रुचि नहीं बने तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आए। किस प्रकार से डीएनए से आरएनए बनता है और किस प्रकार से आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ठीक है। आरएनए आरएनए होना है जीन स्ट्रक्चर, ये फिर को पढ़ना है। प्रारंभ में ये माना गया कि जीन क्या है, अविभेदित संरचना होती है, लेकिन वर्तमान में अपने को पता है कि जीन के तीन प्रमुख भाग है, रिकॉन न्यूट्रॉन और सिस्ट्रॉन, ठीक है, तो वो अपने को संरचना पढ़नी है कि रिकॉन न्यूट्रॉन और सिस्ट्रॉन से क्या था। एक
एक धारणा बढ़नी है अपने को लैक ओपेरोन। देखिए एमएससी के अंदर तो आपके एक शब्द आएगा रामचंद्रन प्लॉट और यहाँ एक शब्द आता है लैक ओपेरोन। तो ऐसे शब्द है अगर कुछ भी नहीं समझा तो इसके बारे में कुछ भी नहीं लिख सकते। लैक ओपेरोन क्या है समझ गए तो सारा कुछ बिल्कुल इजी लिख लेते हैं। ठीक है तो ये अपने को लैक ओपेरोन ये लैक लैक्टोज से संबंधित है कि लैक्टोज की उपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण शुरू रहता है जबकि लैक्टोज अगर नहीं हो तो प्रोटीन संश्लेषण बंद हो जाता है। इस चरण को ही अपने क्या कहते हैं लैक ओपेरोन के नाम से जानते हैं क्योंकि इस धारणा का प्रतिपादन ओपेरोन नाम के वैज्ञानिक ने किया। फिर अपने लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल। देखिए बैक्टीरियोफेज होता है जो वायरस से बैक्टीरिया पर आक्रमण करता है। ठीक है तो उसकी क्रिया होती है उसके चरण होते हैं कि वो कोशिका भित्ति को पूर्णतः समाप्त करके अपना प्रभाव जमा रहा है या फिर कोशिका भित्ति को समाप्त न करते हुए अपना कोशिका के अंदर ही अंदर प्रभाव दिखाता है। उसके आधार पर दो साइकिल होते हैं लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल। फिर अपने को पढ़ना है सूजन की यूजेनिक्स किसे कहते हैं भाई नाम सुना है क्या बताइए। अगर अनुवांशिकी का अध्ययन मानव कल्याण के लिए किया जाए तो इस शाखा को अपने क्या कहते हैं यूजेनिक्स के नाम से जानते हैं सूजन के नाम से फिर अपने को पढ़ना है कि रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी पुनर्संयोजी जो रिकॉम्बिनेट डीएनए है वो किस प्रकार से अपने तैयार किया जाता है ये अपने को पढ़ना है। और अपने को पढ़ना है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या बोलते हैं इन्हें आणविक एंजाइम प्रतिबंधन एंजाइम एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है वेक्टर जिसे हम वाक के नाम से जानते हैं और वाक में भी अपने को कौन कौन से पढ़ने हैं प्लाज्मिड और फेज के बारे में कॉस्मिड प्लाज्मिड फेजमिड ये कई प्रकार के होते हैं वो अपने को पढ़ना है। तो ये अपनी यूनिट है फोर। ठीक है इसके अंतर्गत अपने को डीएनए आरएनए की संरचना इसके प्रकार इनके कार्यों का अध्ययन करना है। जेनेटिक कोड कितने प्रकार के होते हैं वो अपने को पढ़नी है। जेनेटिक कोड की प्रमुख विशेषताएं अपने को पढ़नी है। फिर अपने को डीएनए से आरएनए संश्लेषण और आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण का अध्ययन करना है। जीनों की स्ट्रक्चर का अध्ययन करना है। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया के लिए उत्तरदायी लैक ओपेरोन थ्योरी का अपने को क्या करना है अध्ययन करना है। वायरस की लाइटिक और लाइसोजेनिक क्रिया उसके बारे में पढ़ना है और मानव कल्याण के लिए जेनेटिक्स की क्या उपयोगिता है सूजनिकी के अंतर्गत अपने को इसका अध्ययन करना है। साथ ही साथ अपने को रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़नी है और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़नी है और वेक्टर या वाहक का अध्ययन करना है। तो ये आपकी यूनिट है फोर। अंतिम जो अपनी यूनिट है फिफ्थ यूनिट है उसके अंतर्गत अपने को क्या पढ़ना है देखिए ये बड़ी कुलमार यूनिट है।